नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। देश भर में चुनाव का दौर जारी है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर लिखी जा रही है। राजनीतिक दल जहां रणनीति बना रहे हैं, वहीं इन सियासी दंगल में उतरने वाले नेता अपना टिकट पक्का करने के लिए भागदौड़ में लग गए हैं। किस पार्टी से किसे टिकट मिलेगा, कौन सा योद्धा चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, आखिर कौन होगा वो उम्मीदवार जो पार्टी और जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा, इसी को लेकर आज से हम एक खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर शुरुआत करने जा रहे हैं। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंचेगी और वहां की जनता के मन को टटोलेगी। इसी कड़ी में सबसे पहले हमारी टीम नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। वहां के लोगों की राय जानी है, ये जानने की कोशिश की है कि किस पार्टी के किस नेता के बीच मुकाबला संभावित है, संभावित उम्मीदवारों में किस पार्टी से कौन आगे है कौन पीछे है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि नीलोखेड़ी विधानसभा में किस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और जनता का भरोसा किस नेता के साथ है। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि सीट से कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से विधानसभा चुनाव का सियासी आकलन लगाया जा रहा है। ऐसे में अब इस बार चुनाव में उम्मीदवार अहम भूमिका निभाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या विधायकों को दोबारा टिकट मिलेगा या पार्टियां नए चेहरे पर भरोसा करेंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन जेजेपी इनेलो और अन्य दल भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा और इनेलो गठबंधन करने जा रही है। ऐसे में टोटल टीवी ने नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से ओपिनियन पोल किया और वोटरों के मन को टटोला। 29 जून को नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल किया गया। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवारों और किस पार्टी में किस नेता की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, किस किस के बीच टक्कर का मुकाबला है, नीलोखेड़ी विधानसभा के अलग अलग इलाकों से 180 लोगों की राय ली गई। साथ ही 20 से ज्यादा इलाकों की महिला पुरुष युवा गरीब अमीर मध्यम वर्ग की राय जानी गई। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में पार्टियों के बीच टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। हमारी एक टीम हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, जनता के मन को टटोलेगी। ऐसे में हमारी टीम आज नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंची है, जनता की राय ली है और जानने की कोशिश की है कि किस पार्टी के बीच आखिर किस उम्मीदवार के बीच में मुकाबला है, संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे चल रहा है किसका नाम पीछे चल रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने आज प्रोग्राम शुरू किया है टिकट की टक्कर। इसको लेकर सबसे पहले राय जानेंगे वीरेंद्र सोनी जी आपकी, टिकट की टक्कर में किस एमएलए को टिकट मिल सकता है, किसके नाम पर मोहर जनता लगा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की तैयारी है। देखिए, नीलोखेड़ी में भगवान दास कबीर पंथी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट में विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2019 में 2200 मतों के अंतर से हार गए थे। और आज भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव में नीलोखेड़ी का जो संयोजक है वो भगवान दास कबीरपंथी बनाया गया था और वहां से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। मतलब भगवान दास कबीरपंथी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में काफी सशक्त दावेदार हैं।
और हालांकि देखिए दूसरे लोग भी हैं इसके अंदर से, लेकिन उनकी जो दावेदारी है वो ज्यादा मजबूत है। अब देखिए अब जो दूसरे दल है यहाँ मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगा। पिछली बार निर्दलीय जीते थे लेकिन तब के समीकरण अलग थे, और अब जो है धर्मपाल गोंदर जो हैं, देखिए उस समय की स्थिति अलग थी। धर्मपाल गोंदर को हालांकि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि तमाम उम्मीदवारों को लेकर के राय जानी गई है, तमाम उम्मीदवारों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस बीच देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से विधानसभा क्षेत्रों का मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसी को लेकर के अब विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है हमारी टीम, अलग अलग जगहों पर जनता की राय क्या है, ओपिनियन पोल क्या कुछ कहते हैं, इस पर चर्चा हम आज करेंगे। आज चूंकि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम दिखाने जा रहे हैं कि यहां की जनता की क्या कुछ राय है, इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों की टीम को लेकर के सर्वे किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के बारे में पूछने की कोशिश, जनता से राय जानने की कोशिश की गई कि आखिर जनता का भरोसा किस पर है। देखिए प्रगति, लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आए थे, अभी जुलाई चल रही है, एक सवा महीना ये अभी हुआ है, लेकिन ये जो चुनाव परिणाम थे इन्होंने राजनीतिक दलों की आंखें भी खोल दी है। पब्लिक ने तो देखा किस पार्टी को कितना समर्थन मिला, 5 सीटें बीजेपी ने खो दी, 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, तो ये जो एक तरह से सेमीफाइनल था, जैसा हम कहा भी करते हैं फाइनल, अब हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। नीलोखेड़ी की जहां तक बात है, नीलोखेड़ी रिजर्व सीट है, करनाल जिला है, यहां पर भगवान दास कबीर पंथी पिछली बार विधायक थे। भगवान दास कबीर पंथी के बारे में कि उनके अपने समाज के ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे के नाम पर वो जीते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में फिर धर्मपाल गोंदर इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय जीते थे नीलोखेड़ी सीट पर, लेकिन वो अभी कुछ टाइम पहले वो कांग्रेस के साथ आगे, कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस के मंचों से भाषण भी देते हैं, हालांकि वो निर्दलीय विधायक है लेकिन समर्थन कांग्रेस के साथ है। तो नीलोखेड़ी में दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, भगवान दास कबीर पंथी फिर से बीजेपी टिकट के दावेदार है, लेकिन धर्मपाल गोंदर जो निर्दलीय है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, शायद उनको बड़े नेताओं ने उनको शायद थपकी दी है कि आप हमारे साथ लगे रहो, आपको कंसीडर किया जाएगा। तो एक तरफ मौजूदा विधायक धर्मपाल गोंदर है जो कांग्रेस की तरफ से आ सकते हैं, भगवान दास कबीर पंथी उनको बीजेपी कंसीडर करते क्योंकि बड़ा चेहरा वही है, हालांकि पिछली बार चुनाव हारे थे। इनके अलावा भी 2-3 कैंडिडेट है, बिल्कुल देवेंद्र जी, दावेदार कौन-कौन है इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग दावेदार सामने आ रहे हैं, जनता की राय किसके साथ है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महेश जी, जिस तरह से सियासी गणित टिकट की टक्कर में सामने आ रहा है, किसको टिकट मिल सकता है, क्या पुराने लोगों पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है पार्टियों की तरफ से, या फिर इस बार कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि टोटल टीवी नीलोखेड़ी विधानसभा पहुंचा है और यहां पर जनता की राय क्या कुछ है वो भी निकल करके सामने आई है। हालांकि अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है, क्या दोबारा से उन लोगों को मौका दिया जाएगा? देखिए मजबूत चेहरों की तलाश हमको भी है और तमाम राजनीतिक दलों को भी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास जो उपलब्ध नेता हैं उनमें से कौन है जो जिताऊ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सबसे मजबूत चेहरे की तलाश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है, और यही वजह की अब ना सिर्फ लोगों के, नेताओं के फीडबैक यहाँ पर लिए जाएंगे बल्कि सर्वे जो है करवाया जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और मल्टीपल सर्वे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए करवाने जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो यहाँ पर राहुल गांधी अपना सर्वे करवा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना सर्वे करवा रहे हैं, दो लिस्टें यहां से जाएंगी, एक जो है कुमारी शैलजा की तरफ से होगी, दूसरी जो लिस्ट है वो यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से होगी, और तीसरी जो सर्वे रिपोर्ट होगी वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की टेबल पर होगी। तो यकीनन एक क्रॉस टेबुलेशन यहां पर किया जाना है और उसके बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा कि पुराना चेहरा मजबूत है या फिर किसी नए चेहरे पर दाव खेलने की जरूरत है। पुराने चेहरे में अगर जीतने का दमखम अगर नजर आया तो फिर यकीनन जो पार्टी है उसे टिकट देने का काम करेगी, और हमारे सर्वे रिपोर्ट, हमारी सर्वे की जो फाइंडिंग सामने आएंगे उससे भी ये तय हो पाएगा कि मौजूदा चेहरे क्या जीत के लायक हैं, क्या जीत की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं या फिर किसी नए चेहरे पर दांव खेलने की जरूरत होगी।
बिल्कुल महेश जी, जिस तरह से टोटल टीवी ने वोटरों के मन को टटोला है, संभावित उम्मीदवारों में किसका नाम आगे चल रहा है, किसका नाम पीछे चल रहा है, इस पर जिक्र करेंगे, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर जनता ने भरोसा जताया है, वो दिखा देते हैं अपनी जनता को कि कौन कौन से बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के संभावित उम्मीदवार नीलोखेड़ी विधानसभा से भगवान दास, कबीरपंथी, गुरमेज गोदर, मीना चौहान, अमरनाथ सौदा बीजेपी के उम्मीदवार जो है, उनका वोट प्रतिशत भी बता देते हैं जनता की तरफ से कितने वोट इन लोगों को मिले हैं। भगवान दास कबीरपंथी की बात करें तो लगभग 80.51% भगवान दास कबीरपंथी के साथ वोटर्स वोट परसेंटेज जा रहा है और इतने लोगों ने इन पर भरोसा जताया है। बता दें कि मीना चौहान पर 7.63% लोगों ने भरोसा जताया है, उनको संभावित उम्मीदवार जनता की तरफ से माना जा रहा है। इसके अलावा गुरमेज गोंदर की अगर हम बात करें तो 8.47% जनता का प्रतिशत इनके साथ में है, इतने प्रतिशत जनता इन पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है कि संभावित उम्मीदवार के रूप में इनको जनता देखना चाहती है। वहीं अमरनाथ सौदा की अगर हम बात करें तो 3.39% अमरनाथ सौदा पर जनता ने भरोसा जताया है, इतने फीसदी जनता है जो अमरनाथ सौदा को चुनावी मैदान में देखना चाहती है। नीलोखेड़ी विधानसभा में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। एक बार फिर से अपने पैनल के पास पहुंचते हैं जहां टोटल टीवी ओपिनियन पोल पर जो जिक्र कर रहा है। महेश जी, आप ही से शुरुआत करेंगे, भगवान दास कबीरपंथी पर सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है। हरियाणा की जनता में बीजेपी को लेकर के जो भरोसा है और बीजेपी में भी भगवान दास कबीरपंथी पर सबसे ज्यादा भरोसा है, लगभग 80.51% जनता भगवान दास कबीरपंथी पर भरोसा जता रही है कि उम्मीदवार के तौर पर इनको देखा जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, टोटल न्यूज के आंकड़े ही ये साबित कर रहे हैं कि भगवान दास गोंदर यहां पर जीत की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि भगवान दास चूंकि 80% के पार ये पहुंच चुके हैं और महज 20% में तमाम जो अन्य संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें जनता ने पसंद करने का काम किया, तो यकीनन 80% के पार जब आंकड़ा पहुंच जाता है तो फिर एक तरफा इसे माहौल को माना जाता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत चेहरे का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर भगवान दास ही सबसे मजबूत चेहरा साबित होंगे। और अपने सर्वे को लेकर एक और खास बात मैं तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, सर्वे एक तकनीकी तरीके से किया जाता है और अगर सही पूरी ईमानदारी के साथ किसी सर्वे को किया जाए तो फिर सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी हमेशा मैच करेंगी। सर्वे कोई भी करवाए, किसी भी तरह की एजेंसी करवाए, लेकिन भगवान दास कमजोर नजर नहीं आएंगे। 80% के पार अगर गए हैं तो फिर परसेंटेज थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा कि तीसरे या चौथे पायदान पर भगवान दास नजर आए। यहां पर एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भगवान दास के समर्थन में आपके आंकड़ों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, आंकड़े जो बयां कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर भगवान दास कबीरपंथी पर जनता का भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इस बीच सोनी जी, जनता के साथ साथ पार्टी का भरोसा किस पर है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जनता ने इतने वोटिंग प्रतिशत का अंतर रखा है, 80% लगभग भगवान दास पर भरोसा जताया है। इसके अलावा गुरमेज गोंदर भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर जनता के मन में जरूर बने हुए हैं, मीना चौहान, अमरनाथ सौदा का नाम भी चर्चाओं में है। लेकिन क्या वजह है जो भगवान दास कबीरपंथी पर ही जनता ने इतना भरोसा जताया है, गुरमेज गोंदर को इतने प्रतिशत वोट जनता के हिसाब से नहीं दिए गए हैं? देखिए, भगवान दास कबीरपंथी ने विधायक रहते हुए बड़े अच्छे काम किए थे, उनके विकास कार्यों की आज भी झलक मिलती है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें नीलोखेड़ी का संयोजक बनाया गया था और मनोहर लाल जी के वो विश्वास पात्र हैं, मनोहर लाल जी उन पर भरोसा करते हैं और जनता में उनकी छवि है, और यही कारण है कि आपके सर्वे में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हालांकि अमरनाथ सौदा हो, मीना चौहान हो, गुरमेज गोंदर हो, ये सब नाम मात्र है, मतलब इनकी कोई विशेष गिनती नहीं है। हालांकि देखिए, गुरमेज गोंदर को जो है दूसरे नंबर पर रखा गया, मेरे हिसाब से यहाँ जो है मीना का नंबर बनता है। हालांकि आपके सर्वे को कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल जो है भगवान दास कबीरपंथी ही जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी पसंद है, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो भगवान दास कबीरपंथी को बनाएगी, इस आशय के संकेत पार्टी की ओर से भी दिए गए और उन्होंने अपना संपर्क अभियान भी शुरू कर दिया और कार्यकर्ताओं में भी उनकी छवि है। तो मैं इसके सर्वे के हिसाब से भगवान दास कबीरपंथी पर जो आपने मोहर लगाई है उसके मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। बिल्कुल, हालांकि देवेंद्र जी, भगवान दास कबीरपंथी का जिक्र अब जनता के मन में भी सामने आ रहा है और जो सर्वे कह रहा है वो उसके हिसाब से भगवान दास कबीरपंथी के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्टी का क्या कुछ मूड हो सकता है, क्योंकि और भी तीन नामों का जिक्र चल रहा है, गुरमेज गोंदर, मीना चौहान या अमरनाथ सौदा, क्या पार्टी इनमें से भी किसी पर भरोसा जता सकती है, टिकट आखिर किसको मिलेगा?
देखिए प्रगति, सर्वे का मतलब ये होता है कि मजबूती किसके सामने आई है, लोकप्रिय कौन है, जनता किसको जाती, चूंकि क्योंकि भगवान दास कबीरपंथी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया होगा, उनकी लोकप्रियता होगी, लोग भरोसा कर रहे होंगे, तभी 80% से ऊपर। बाकी तीन कैंडिडेट जो दिखाए हैं वो तीनों में 20% बढ़ गए हैं, बट गए हैं, उनमें 3.5% अमरनाथ सौदा चौथे नंबर पर है। आपको बताऊं, अमरनाथ सौदा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं, 6 साल तक रहे, और अभी मनोहर लाल जी ने करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ा था करनाल से, ये उनके दफ्तर के इंचार्ज थे, दफ्तर का सारा काम संभाले थे, लेकिन लगता है लोकप्रियता में नीचे निचले पायदान पर है, चौथे नंबर पर है। हालांकि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि भगवान दास कबीरपंथी ने विधायक के तौर पर शायद अच्छा काम किया होगा, कि जनता फिर उनको चाहती है और उनकी लोकप्रियता, और शायद पार्टी भी इस बात को ध्यान में रखेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि हरियाणा में चुनावी बिसात बीत चुकी है, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर चिंतन मंथन शुरू हो गया है, नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल भी अब सामने आ गया है, टोटल टीवी ने वोटरों के मन को टटोला है, किस पार्टी से किस नेता की दावेदारी ज्यादा मजबूत है ये भी हम दिखा रहे हैं, किस किस के बीच टक्कर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग इलाकों से लोगों की राय भी सामने आ रही है, विधायकों को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की ही बात नहीं कर रहे, हमारी टीम खेड़ी विधानसभा जब पहुंची तो सभी टीमों का यहां पर सर्वे किया गया, सभी टीमों के बारे में जनता के मन को टटोला गया कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बीएसपी हो, चूंकि इनेलो और बीएसपी का गठबंधन अभी ही हुआ है तो लोगों के बीच में अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन समर्थन लगभग हर क्षेत्र का सामने आ रहा है, हर पार्टी पर जनता का विश्वास सामने आ रहा है कि किस पार्टी पर कितना विश्वास है, चूंकि जेजेपी में अभी भी लोगों का विश्वास इतना ज्यादा नजर नहीं, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में जेजेपी बीजेपी से अलग हुई है, तो कंफ्यूज है लोग यहां पर जनता कि आखिर किस पे भरोसा जताया जाए। आगे इस बात पर चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर, कांग्रेस की तरफ से किस क्षेत्र पर किस विधायक को कितना मौका मिल सकता है, जनता की क्या कुछ राय है वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कांग्रेस पर कितना भरोसा जनता की तरफ से जताया जा रहा है। तो टोटल टीवी ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नीलोखेड़ी विधानसभा से हैं धर्मपाल गोंदर, राजीव गोंदर, इसके अलावा प्रोफेसर राजेश वैद को, और ये तमाम लोग वो नाम है जिन पर जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से। जनता ने आखिर इन पर भरोसा जताया है, अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो लगभग 69.09% इतने प्रतिशत लोगों की राय है जो धर्मपाल गोंदर को संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखना चाह रहे हैं, देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम राजीव गोंदर की बात करें तो लगभग 12.73% लोगों ने राजीव गोंदर पर भरोसा जताया है कि संभावित उम्मीदवार के तौर पर वो इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा नीलोखेड़ी विधानसभा पे अगर हम बात करें कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार की, तो प्रोफेसर राजेश वैद भी हैं जिन पर 9.09% लोगों ने भरोसा जताया है, और 9.09% ही लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, यानी कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारा जाएगा तो उनका वोट कांग्रेस के साथ ही जाएगा। 9% लोग ऐसे हैं जो उनका समर्थन कांग्रेस के साथ में है। इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार नीलोखेड़ी विधानसभा से निकल करके सामने आ गए धर्मपाल गोंदर, राजीव गोंदर, प्रोफेसर राजेश वैद, ये तीन वो नाम है महेश जी जो जनता के हिसाब से सामने आए हैं, क्या इन पर भरोसा पार्टी की तरफ से जताया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, सर्वे ये तय करेगा कि सबसे मजबूत कौन है, और अगर तीनों आसपास अगर आंकड़ों में नजर आ रहे हैं तो फिर पार्टी को ये तय करना है कि लॉयल्टी फैक्टर में कौन ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, कौन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए इक्वेशंस के लिहाज से जो है ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। धर्मपाल गोंदर का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो यहाँ 69.09% जो वोट हासिल किया है, यहाँ पर साफ तौर से धर्मपाल गोंदर के समर्थन में ही पूरा जो जनादेश है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। बाकी राजेश वैद्य का जिक्र किया जाए और राजीव गोंदर का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर 12% और 9% जो वोट परसेंटेज है वो देखने को मिल रहा है, तो धर्मपाल गोंदर ही कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में सामने आए हैं और धर्मपाल गोंदर पर ही पार्टी अपना भरोसा जताएगी तो यह पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, मुझे लगता है कि सर्वे के आधार पर ही जो टिकटें हैं वो बांटी जानी है, तो ऐसे में धर्मपाल गोंदर ही कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सबसे मजबूत चेहरा उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकता है।
बिल्कुल, हालांकि देवेंद्र जी इस बीच 9% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, यानी कि चाहे चुनावी मैदान में उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन उनका वोट कांग्रेस के साथ ही जाने वाला है। देवेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी 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 प्रगति, बिल्कुल। देखिए, धर्मपाल गोंदर में क्षमता थी, वो विधायक बने, अब जब वो कांग्रेस के साथ आए हैं, कांग्रेस के मंचों का हिस्सा बने और कांग्रेस उनको आगे बढ़ा रही है। सुनने में ये भी आया, सूत्र बता रहे कि भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान, जो दोनों बड़े नेता है कांग्रेस को, अपने तरीके से चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। तो धर्मपाल गोंदर को संभवतः, जैसा हमने उनको कांग्रेस में रखा है, दरअसल रिजर्व सीटें जो भी है हरियाणा में, चाहे वो पानीपत में सराना है, नीलोखेड़ी करनाल में, खरखोदा सोनीपत, रिजर्व सीटों पर उम्मीदवार पार्टी के बहुत कम कंपटीशन कम रहते हैं, क्योंकि वहां रिसोर्स नहीं है, पूरे उस तरह के लोगों, मतलब साधन संपन्न नहीं है। रिजर्व सीटों पर मेरा अपना अनुभव है कि उम्मीदवारों में, दावेदारों में उतनी टक्कर नहीं होती जितनी जनरल सीटों पर होती है। यही वजह है कि अगर कबीर पंथी बने थे विधायक तो अभी फिर उनका नाम आ रहा है। धर्मपाल गोंदर विधायक जीते थे 2019 में, अब वही सामने आ रहे हैं। तो उनके अलावा कंपटीशन या जो प्रतियोगी होते हैं उनकी संख्या कम होने की वजह से, जिनमें क्षमता है, जो ज्यादा ताकतवर है, वही फिर आगे आ रहे हैं। इसकी वजह यह कि लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही छोटी जगह पर, जो रिजर्व सीटें हैं। तो धर्मपाल गोंदर कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं और इसी वजह से समर्थन भी किया जब सरकार के अल्पसंख्यक होने की बात आई विधानसभा में। तो मेरे को लगता है चेहरा यही हो सकते हैं, और आजकल कांग्रेस के साथ बड़े नेताओं के साथ रहते हैं, उनको शायद आश्वासन दिया गया कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। उस हिसाब से मेरे को लगता है धर्मपाल गोंदर की स्थिति मजबूत है। और उधर भगवान दास कबीर पंथी, पहले वो जीते थे, इस बार ये जीते, अगर दोनों आमने सामने आते हैं तो वक्त बताएगा क्या होता है। बिल्कुल, वक्त हालांकि जरूर बताएगा, लेकिन वीरेंद्र जी जिस तरह से ओपिनियन पोल 2024 की, जो विधान नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के जो ओपिनियन पोल निकल करके सामने आ रहे हैं, जनता की जो राय निकल करके सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए भी निश्चित रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, अब कांग्रेस चाहो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, विधानसभा चुनाव में फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहले ही कांटे की टक्कर देखी जा चुकी है। देखिए, नीलोखेड़ी कांग्रेस के लिए चुनौती है। देखिए, राजेश वैद्य कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, और धर्मपाल गोंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी, मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय वर्ष के शिक्षित संसदीय हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी का समर्थन लिया तो उसका कारण धर्मपाल गोंदर थे। ये निर्दलीय थे लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनना चाहते थे। जब मनोहर लाल जी ने कह दिया कि हमने रंजीत सिंह को मंत्री बना दिया तो ये अपनी मांग पर अड़े हुए थे, तो इन्होंने अपने साथ 3-4 और विधायकों को भी जोड़ लिया जो निर्दलीय थे। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, क्योंकि निर्दलीय जो है अनावश्यक मांगे करने लगे थे। तो यही कारण है कि धर्मपाल गोंदर को भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का प्रयास नहीं किया लोकसभा चुनाव के अंदर। हालांकि देखिए, उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से काफी गहरी जो है मित्रता भी है और वो काफी निकट भी है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश नहीं की। और ये बात है कि कांग्रेस में उनके लिए संभावित जो है संभावनाएं अच्छी लग रही है, लेकिन जनता के बीच कैसी छवि बनेगी, इसमें वर्तमान विधायक होने के नाते उनके लिए कठिनाइयां भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये एक बात निश्चित है कि कांग्रेस के लिए जो आपका सर्वे बता रहा है उसके लिए उनके लिए अनुकूल माहौल है। बिल्कुल, हालांकि महेश जी, माहौल अनुकूल किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ये नतीजे बिल्कुल सामने जब आएंगे तब स्पष्ट होगी स्थिति। लेकिन सिर्फ हरियाणा में नीलोखेड़ी विधानसभा का जो ओपिनियन पोल निकल करके सामने आया, चूंकि टोटल टीवी की टीम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रही है। नीलोखेड़ी विधानसभा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां हरियाणा में चुनावी बिसात तो बीत चुकी है, जनता के मन की राय सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लिए ही नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो यहां पे भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा इनेलो और बीएसपी पर भी भरोसा जताया जा रहा है। हालांकि गठबंधन से पहले की स्थिति जो थी उसको लेकर के लोगों ने अपनी राय रखी है, लेकिन अब यहां पर समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जिक्र करेंगे तो अमर सिंह सरपंच का नाम सबसे ज्यादा सामने आया है। यहां पर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चर्चा इस नाम को लेकर के भी है। क्या आम आदमी पार्टी में इस दौरान टिकट मिलने की संभावना इनको नजर आ रही है? देखिए,
देखिए आम आदमी पार्टी में टिकटों को लेकर बहुत ज्यादा चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बनती हुई नजर आ रही है, टिकटों को लेकर घमासान दोनों ही राजनीतिक दलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर चेहरों की मजबूती के लिहाज से जानने समझने की कोशिश की जाए तो पहले तो सामान्य सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के पास जिताऊ चेहरे बेहद कम संख्या में उपलब्ध होंगे, और उसके बाद अगर जिक्र आरक्षित सीट का किया जाए तो यहाँ पर संभावनाएं और ज्यादा घटती हुई नजर आएंगी। तो बहुत ज्यादा चुनावी मुकाबला यहाँ पर टिकट की टक्कर के लिहाज से आम आदमी पार्टी में तो देखने को नहीं मिलेगा। और ये स्थिति सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर भी कमोवेश इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये हालात तमाम इन तीनों राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर देखने को मिलेंगे। और कई बार हमने देखा है कि अभय सिंह चौटाला को तो दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ती है कि कोई उनकी टिकट ले ले। अब क्योंकि अगर गठबंधन हुआ है तो यकीनन फिर आईएनएलडी और यहां पर बसपा का वोटर दोनों जुड़ते हुए नजर आएंगे। कितने वोट मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि संभावना इंडियन नेशनल लोकदल की बसपा की बड़ी है। और टिकटों के चाहने वालों की संख्या भी अगर बीजेपी में उन्हें टिकट नहीं मिलता, अगर कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिलता है तो फिर अभय सिंह से संपर्क करेंगे या फिर जो है मायावती की पार्टी के लोगों से संपर्क किया जाएगा ताकि एक वैकल्पिक व्यवस्था टिकट की जा सके। और लगता है कि ये लोग अपने संगठन के लोगों को बेहद कम संख्या में, या कहें कि बसपा के बारे में जिक्र करूं तो ना के बराबर जो है संगठन के लोगों को टिकटें देंगे। बीजेपी और कांग्रेस से हताश और निराश होकर आने वाले लोगों को ही यहां संभावनाएं नजर आएंगे। और आईएनएलडी और बसपा का जो टिकट है वो यहां पर ऐसे निराश और हताश लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे जो अपनी अपनी पार्टीज में यानी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रिजेक्ट हुए हैं, स्किप हुए हैं। बिल्कुल महेश जी, टिकट की टक्कर में आखिर किसको जीत मिलेगी ये समय बताएगा, लेकिन हरियाणा में चूंकि चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे पर मंथन जारी है। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची थी, आज हम ओपिनियन पोल हमने दिखाया नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र का, जहां टोटल टीवी ने वोटरों के मन को टटोला और वोटर्स कितने प्रतिशत वोट लोगों को पहुंचाए हैं, वोटर्स की तरफ से पहुंचाए गए हैं, इसमें ये देखने वाली बात है। लेकिन किस पार्टी से किस नेता की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। किस के बीच में टक्कर का मुकाबला है ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि अलग अलग इलाकों से लोगों की राय अब सामने आने लगी है, क्या विधायकों को दोबारा मौका मिलेगा, कौन कौन टिकट के रेस में आगे है, कौन पीछे है, संभावित उम्मीदवारों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस पर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते रहेंगे और जनता तक अपनी राय पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के। और संभावित उम्मीदवारों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी एक और विधानसभा क्षेत्र के साथ में, वहां की राय जनता की क्या कुछ है उसके साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चलते होंगे यहां से।